वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक अनोखी पहल पिछले सालों से चल रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ज़रूरतमंद लोगों को जिनकी कंडीशन खराब है, पुअर जिन्हें कहें, गरीब मिडिल क्लास के लोग जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, उनके लिए वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन जो है पुराने कपड़े, जूते और तमाम तरह की ज़रूरतों को पूरे करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स और अध्यक्ष, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? गोपाल कृष्ण हेगड़े। गोपाल जी, जानना चाहेंगे वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन कितने सालों से ये काम कर रही है और क्या क्या आज यहाँ पर आप लोग बांट रहे हो? देखिए, हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, आज से करीब 50 साल से जास्ती पहले एस्टेब्लिश हुए थे। और ये जो कपड़ों का मेला आप देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है, ये हम करीब 1.5 साल से कर रहे हैं ये। और हम क्या क्या दिया जा रहा है और किन, मतलब ज़रूरतमंदों के लिए आपने एक अनोखी पहल की है, कितने, जैसे आपने कहा 1.5 सालों से, तो कब कब किया जाता है और किस तरह से लोगों को जो है यहाँ पर कपड़े, जूते, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? हमने 26 जनवरी को किए थे लास्ट ईयर, फिर एक दिवाली से एक वीक पहले किए थे, और ये हमारा आज थर्ड प्रोजेक्ट है। इधर कपड़े आदमी लोग के लिए भी, औरत लोग के लिए भी, बच्चे लोग के भी लिए, और जैसे शूज़ है, फिर बैग्स है, टॉयज़ है, ऐसे काफ़ी आइटम्स आते हैं। ये हमारे वॉलंटियर्स कलेक्ट करते हैं और लाके हम लोग सब डिस्प्ले करते हैं। हर एक आइटम अलग अलग, जैसा कि आदमी का पैंट अलग, शर्ट अलग और जीन्स अलग, और औरतों के जैसे वेस्टर्न वेयर है, लॉन्ग ड्रेसेस है, ये सब अलग करते हैं। और हम काउंटर्स बना के हर एक काउंटर में एक एक आइटम रखते हैं। और यहाँ जो स्लम्स रहते हैं वहाँ हम एक प्लेस डिसाइड करते हैं, और इधर सब पैम्पलेट्स बांटते हैं सबको, और एक पर्टिकुलर दिन सबको बुला के, जैसा कि मॉल होता है ऐसा मॉल कल्चर क्रिएट करते हैं। चेंजिंग रूम भी रहता है, उन्हें हम मौका देते हैं कि आइए 3-4 ड्रेस सेलेक्ट कीजिए, या तो ड्रेस, या तो शूज़, या तो कोई भी 4 आइटम सेलेक्ट कीजिए, हम उनको एक बैग में पैक करके, जैसा मॉल कल्चर ऐसा करते हैं, पर बोफत का है। बिल्कुल, जो स्लम में रहते हैं उनके लिए मॉल जैसी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, किस तरह से लोगों से इकट्ठा करते हैं कपड़े, जूते? हम लोग सारे जो भी मैसेजेस वगैरह होता है उसके थ्रू, इट्स मोर ऑफ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, पर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैम्पलेट्स भी छपाए थे। बट एज फार एज कलेक्शन इज कंसर्न, हम लोगों ने 10-15 सेंटर्स रखे थे जहाँ पे रिक्वेस्ट जो भी एरियाज है वो लोग लाके कपड़े रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेशलिटी इस बार ये थी कि जहाँ पे हम लोग सिर्फ कपड़े वगैरह करते हैं, इस बार हम लोग को बहुत सारी नॉवल्स मिली थी जो कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली आके लेके गए हैं रीडिंग के लिए, और वो लोग बोल के गए हैं कि दे वर लुकिंग आउट फॉर सम सच काइंड ऑफ अ कल्चर। प्लस जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो यूटेंसिल्स वगैरह मिले हैं वो सारे ऐसे नहीं देखे जो टूटे हुए हैं या पुराने हैं, दे वर ऑल गुड क्वालिटीज़। तो जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उन्होंने भी बहुत दिल खोल के कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सेकेंड हैंड क्लॉथ, कपड़े, जूते कलेक्ट करने में कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों के घर जाना, उनको बोलना कि आप अपने पुराने दीजिए, हम लोग दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों ने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप में मैसेज डाला है, हर एक जना अपने अपने ग्रुप में डाल रहा है, हर एक जना अपने जहाँ लोखंड वाला एरिया में उधर छोड़ रहे, अंधेरी में छोड़ रहे, ऐसे ग्रुप फिर आज इकट्ठे सब जगह किए हैं। मैडम, क्या कहेंगे कि लोगों, जिस तरह से यहाँ पर मेला लगा हुआ है कि ये मानती हैं कि इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, और आज सेकेंड हैंड के लिए जिस तरह से लोग टूटे हुए हैं, क्या कहेंगे? उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाया गया है। टू अंडरस्टैंड कि जो लोग मॉल नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं जा सकते हैं, वो एटलीस्ट यहाँ अपनी मन की पूरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। सेकेंड हैंड कपड़े कई बार लोग देने से इनकार करते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप से, हम सोशल मीडिया से लोगों से कलेक्ट करते हैं, ऐसे में कभी ये आया कि लोग मना भी करते होंगे इस तरह के कॉज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट लोगों ने बहुत खुले दिल से मदद की है, बुक्स हुए, कपड़े हुए, बहुत सारी जो घर की चीज़ें जो वो नहीं यूज़ करते हैं उन्होंने बहुत खुशी तरीके से उन लोग ने दिए हैं। और लोगों को क्या संदेश देंगे कि और कंट्रीब्यूट करें तो हमको और एनकरेजमेंट मिलेगा, तो हम लोग इसको और बड़े स्केल पे कर पाए। किस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोग चला रहे हो? बस ऐसे ही कि गरीबों की मदद की जाए किसी तरह, जो जो जरूरत है उनको बड़ी मॉडर्न क्लोन्स मिलते हैं विच दे कैन नॉट अफोर्ड, तो यहाँ से सब लेके जाते हैं, और ये वर्ड स्प्रेड होता है फ्रॉम व्हाट्सएप और वर्ड माउथ टू माउथ स्प्रेड हो रहा है। कितने लोगों को कपड़े बटे आज यहाँ पर आप लोग द्वारा? 500-700 से ऊपर हो गए हैं, और एक जो बता रहे हैं
मैं ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ वहाँ हम लोगों ने सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट नहीं, हमने घर जाके बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कपड़े इकट्ठे किए हैं लेकिन पहुँचा नहीं पा रहे, तो मैंने खुद जाके अपना गाड़ी से ला के अपने वहाँ से कलेक्ट किया है ऐसा, तो मतलब बहुत आनंद से लोग देते हैं और हम खुद जाके कलेक्ट कर लेते हैं कपड़े ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर कपड़े ले रही हैं। मैडम सबसे पहले जानेंगे कि महिलाओं के कपड़ों को लेकर आप लोग यहाँ पर सेकेंड हैंड कपड़े महिलाओं के लिए रखे हैं, उनकी साइज का कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि साइज को लेकर काफी परेशान हैं। जैसे हम बच्चे आते हैं हम ढूंढ ढूंढ के उनको देते हैं, ये आपके साइज का है, ये आपके साइज का है, वो एफर्ट हमें करना पड़ता है, इसलिए हम ये करते हैं कि जब ये कई बच्चे जॉब पे जाते हैं उनके पास कपड़े नहीं होते ठीक पहनने के लिए, तो हम इसलिए करते हैं कि वो भी प्रेजेंटेबल लगें और हमारे जैसे ही दिखें, क्योंकि फॉरेन कंट्री के लोग जो आते हैं वो सब झोपड़पट्टी ये सब दिखाते हैं, तो हमारा इंडिया इतना काफ़ी अच्छा है, अगर ये सब हो जाए तो इंडिया विल शाइन, बिल्कुल इंडिया अच्छा हो जाए। किस तरह का कॉन्सेप्ट पे आप लोग काम कर रहे हो? हम लोग किसी लोग सब लोगों को डिग्निफाइड तरह से जी सके, ऐसा नहीं लगे कि गरीब लोगों के हम कहीं पीछे रह गए हैं, अमीर लोगों को ये चॉइस मिलती है कपड़ा चूज़ करने की, बाहर जाने की, उनको सेम तरीके से वही चॉइस मिलनी चाहिए, हर तरह का कपड़ा जो उनको पसंद है साइज़ के हिसाब से रंग के हिसाब से उनका जो दिल करे वहाँ से उठा ले। बिल्कुल अंकल, यहाँ पर बच्चे बूढ़े हर कोई आए हुए हैं, क्या मानते हैं कि एक तरफ तो देश का विकास हो रहा है, ऐसे में आज सेकेंड हैंड कपड़े को लेने के लिए लोग मजबूर हैं, वजह क्या मानते हैं? वजह कोई नहीं, वजह एक्चुअली हमको तो हमारे कोई वजह नहीं, बेसिकली हम लोग को जो आइडिया है कि सबको कपड़ा देना चाहिए, जैसा आप बोला कि सबका विकास होगा तो अपना भी विकास होगा, यही अपना ही है बस। मॉल जैसी फीलिंग लोगों में जो स्लम के लोग हैं उनके लिए आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि ताकि वो लोग ये जाने कि मॉल में किस तरह से शॉपिंग होती है, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको लाभ मिल पा रहा है? हाँ, सुबह से 10 बजे से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी करीबन आप में 400-500 लोगों का आके और मे भी 1000 होंगे वो लोग आके अपना अपना जो कपड़ा था उन लेके गए, तो नेचुरली उनको मॉल की फीलिंग आएगी ना, डेफिनेटली। एसी हॉल भी है, हमने एसी हॉल भी रखा है उनके सुविधा के लिए, और पानी भी रख रहे हैं, और बच्चों को जो भी अब में खिलौने वगैरह मिलते हैं हम बांटते हैं, ज़्यादातर इसमें 90% अच्छी चीज़ें ही होती है, तो इसलिए इट्स वेरी नाइस, और हमको ये सेवा का मौका वो दे रहे हैं, ये इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। बिल्कुल, सबसे बड़ा ही बात यह है कि लोग सेवा का मौका दे रहे हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से लोग जो है कपड़े को जो है अपने लिए छाट रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कपड़े बांटे जा रहे हैं, काउंटर लगा हुआ है लेडीज़ कपड़ों का, यहाँ पर हर तरह के कपड़े जो है, लॉन्ग ड्रेसेस, डब्लू कुर्ती, तमाम ऐसे जो बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि आपको ख़रीदारी करने में दिक्कत ना हो, वहाँ पर जिस तरीके से बोर्ड लगाकर लगाया गया है कि आप इस काउंटर पर आएंगे तो आपको जो है लॉन्ग ड्रेसेस मिलेंगे, जो है डब्लू कुर्ती मिलेगी, ऐसी तमाम चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं ताकि लोगों को खरीदने में किसी को लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो अपना लें, क्योंकि यहाँ पर कहा जाए तो मॉल जैसी फीलिंग देने की कोशिश जो है वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा की गई है, लोग जो है यहाँ पर पूरे तरह से हर तरफ काउंटर बनाए गए हैं कि आपको जो भी चाहिए, जो भी ड्रेस चाहिए, सूट चाहिए, तो आप अपने नाप का, अपनी साइज का और अपने मनपसंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भी पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, और ये सेकेंड हैंड जो कपड़े और सामान जो है यहाँ पर लेकर आए हैं वेलफेयर एसोसिएशन वाले। वर्सोवा के वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 1.5 सालों से इस तरह के सामाजिक कार्य में लिप्त है और लोगों से अपील करता है कि अगर आपके घर पर भी कोई अननेसेसरी चीज़ है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके घर पर पड़ी है, तो आप इस एसोसिएशन में जमा करें ताकि वो सामान, वो कपड़े किसी के काम आ सके। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।